एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए ग्रीन मूंग टिक्की, जो कि आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। वेट लॉस टिक्की के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहां पे है ये स्प्राउटेड ग्रीन मूंग दाल, साथ में है बारीक कटा हुआ एक प्याज, दो उबले हुए आलू, एक कप जितना ओट्स, एक ग्रेटेड गाजर। मसालों में है मेरे पास यहाँ अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, ये है हमारी काली मिर्ची का पाउडर और यहाँ है भुना जीरा का पाउडर। स्प्राउट्स को पहले हम मिक्सी में ड्राई पेस्ट कर लेंगे बिना पानी के। ग्रीन मूंग दाल इसे मैंने पेस्ट कर लिया है, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। ये पहले से सोक करके रखा था और इसमें थोड़े स्प्राउट्स आ गए थे, मैंने उसी को पेस्ट कर लिया है। इसमें एक ये आलू भी डाल दूंगी, ये आलू मैंने उबाल के रखे थे, इसको इसी में मैश कर लेंगे। आलू मैंने इसमें अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें एक एक करके बाकी सब इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। यहाँ ये ग्रेटेड गाजर, फिर डाल देंगे ये ओट्स, प्याज, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्ची का पाउडर, भुना जीरा पाउडर और अजवाइन, इसे हम थोड़ा मसल के डाल देंगे। इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। मिक्सचर को अच्छे से हाथ से मिला लिया है, अब हम इसे टिक्की की शेप दे देंगे। अगर आपको बीच में लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा गीला है तो आप थोड़ा ओट्स ऐड कर सकते हैं, फिर आपका मिक्सचर ज़्यादा गीला भी नहीं रहेगा। बिल्कुल हमें इस शेप में इसको लाना है। मैंने पूरे मिक्सचर को टिक्की का शेप दे दिया है, अब हम इसे टिक्की को सेक लेंगे। सबसे पहले पैन में घी को ग्रीस कर लेंगे। अब हम एक एक करके अपनी टिक्कियों को इस पर प्लेस कर देंगे घी के ऊपर। पहले हम एक साइड से इसको अच्छे से सेक लेंगे, फिर इसको पलट देंगे। एक साइड से टिक्कियाँ सिक गई है, अब मैं इसे पलट दूंगी एक एक करके। मैंने टिक्कियों को पूरे लो फ्लेम में पकाया था, एक बार इस तरफ और एक बार उस तरफ पलट पलट के। टिक्कियाँ मेरी रेडी हो गई है, दोनों तरफ से पक चुकी हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। रेडी है गर्मा गर्म ग्रीन मूंग दाल की टिक्की, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, ये बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशनिस्ट है, और बड़े भी इसे खा सकते हैं बहुत ईजिली। और इसे मैंने सर्व की है ग्रीन चटनी, धनिया पत्ता की चटनी के साथ। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए मैं फिर से मिलूंगी आपके साथ एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।